खबर रीवा जिले से है, जहां बाढ़ सागर जल संसाधन विभाग का सहायक विद्युत ऑपरेटर मोतीलाल सोनी विगत 20 वर्षों से वेतन वृद्धि के लिए भटक रहा है। पीड़ित गंगा कछार कार्यालय पहुंचा और चीफ इंजीनियर सीएम त्रिपाठी से मुलाकात की। पीड़ित ने बताया कि कार्यालय से उसे बार बार यह कहकर भगा दिया जाता है कि वेतन वृद्धि का मामला उसके स्तर का नहीं है। कर्मचारी ने बताया कि उच्च कार्यालय से रीवा कार्यालय के लिए पत्र आ चुका है, जिसमें लिखा गया है कि इनकी समस्या का निराकरण कर वरिष्ठ कार्यालय को अवगत कराएं। पीड़ित ने बताया कि विगत 20 वर्षों से उसे वेतन वृद्धि नहीं मिल रही है। उसका बेटा बीमार है और उसे बेटी की शादी करनी है। भावुक होते हुए मोतीलाल सोनी ने बताया कि अधिकारियों की मनमानी के चलते उसे उसका अधिकार नहीं मिल पा रहा है, जिससे उसका परिवार बीमार और आर्थिक तंगी के चलते अब कोई बड़ा कदम उठाने के लिए मजबूर है। आइए सुनाते पूरे मामले को लेकर पीड़ित मोतीलाल सोनी और चीफ इंजीनियर श्री त्रिपाठी ने क्या कहा है। मोतीलाल सोनी, क्या परेशानी हो रही है? परेशानी मुझे वेतन वृद्धि नहीं मिल रही है। कितने महीने से परेशान? अरे साहब, हमको 15 साल 16 साल हो गए। हाँ। अधिकारी क्या कह रहे हैं, जिम्मेदार जो? अधिकारी कह रहे हैं कि मैं नहीं दूंगा वेतन वृद्धि। हाँ। शिकायत आपने कहाँ कहाँ करी है? हमने शिकायत सीएम हेल्पलाइन और ईएनसी साहब और एसी साहब, ई साहब, इनसे भी कई बार निवेदन किए। बोले तुमको मना किए ना, तुम यहाँ ना, नहीं होगा। जहाँ आपने शिकायत करी वहाँ से क्या आश्वासन मिला? वहाँ से आश्वासन मिला कि इनका किया जाए। हाँ, इनकी कार्रवाई करके अवगत कराएं। जी हाँ। आदेश हुए कितने दिन हो गए, कितने महीने हो गए? आदेश में हो गए आपके कम से कम, नहीं तो आज 3-4 महीने हो गए। इसके बाद भी ये क्या कह रहे हैं, नहीं करेंगे? सी एम हेल्पलाइन की यहाँ जो है शिकायत जो पड़ी हुई है हमारी, तो वो आज 15 नवम्बर से पड़ी हुई है। जो ऐसा कह रहा है वो क्या नाम है उनका, किस पद में? वो सीएम त्रिपाठी, मुख्य अभियंता गंगा कछार रीवा। क्या कहते हैं? कहते हैं नहीं दूंगा। कितने सालों से आप चक्कर लगा रहे हैं कार्यालय? हम साहब यहाँ तो 15-20 साल से चक्कर लगा रहे हैं। अभी नौकरी आप कार्यरत हैं? हाँ, कार्यरत हैं। मेरा जुलाई में रिटायरमेंट है। तो इसमें। जी हाँ। क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि मुझे वेतन वृद्धि लाई जाए और यह अन्याय मेरा समाप्त कराया जाए। मेरी बच्ची है, शादी करना। आपको कितना सैलरी आती है? सैलरी मेरे पास कट पीट के 17,000 रुपया लगभग आती है। आनी कितनी चाहिए? आनी चाहिए 40-45 हज़ार रुपया। तनख्वाह नहीं आ रही, इसके लिए आपको कैसी परेशानी हो रही, क्या दिक्कत है? अरे अनेक प्रकार की परेशानी है। बच्चों की शादी कर पड़ रहा हूँ, बच्ची मेरी से आनी है, शादी के योग्य बच्चा मेरा वहाँ आपके जबलपुर PGI लखनऊ में इलाज चलता है, मस्तिष्क रोग विशेषज्ञ है। मैं हर तरह से पीड़ित हूँ, परेशान हूँ। कहीं कहीं लगता है कि आदमी आत्महत्या कर लें। आपसे बता, इतना दुखी मन से आप लोगों को बता रहा हूँ। क्या नाम है आपका? मोतीलाल सोनी। कब से भटक रहे हैं आप? 20 साल से। किस पद में हैं? मैं सहायक विद्युतकार के पद में हूँ। विद्युत कार्यालय तो हमारी संरचना के अंतर्गत नहीं। विद्युत कार्यालय के चीफ इंजीनियर बैठते हैं भोपाल में। तो अब उनका आवेदन कहाँ पर है, मैं संबंधित कार्यपालन अधिकारी से पता लगवा लेता हूँ, वही निराकरण पाए। निराकरण तो चीफ इंजीनियर भोपाल से होगा। आवेदन भोपाल में था, वहाँ की प्रतिवेदन आपसे मांगा गया है और आप तक वो कागज आया है। उनका ऐसा कहना है कि 2-3 महीने पहले उनकी वेतन वृद्धि देने के लिए आदेश जारी किए गए, इसके बाद भी वो कह रहे हैं कि आपका व्यक्तिगत नाम लेना, सबका कहना है कि हम नहीं करेंगे। नहीं, हमारी संरचना में है ही नहीं है। मेरी संरचना में ही नहीं तो मैं कैसे करूंगा? क्या है, यहाँ दो प्रकार की संरचनाएं हैं। एक मुख्यमंत्री सिविल होते हैं, जो कि हर बेसिन में एक एक बैठते हैं, और पूरे मध्य प्रदेश के लिए एक मुख्य अभियंता विद्युत यांत्रिकी होते हैं। तो वो भोपाल में बैठते हैं, उनका हेडक्वार्टर भोपाल में है, अधीक्षण यंत्री जबलपुर में बैठता है, यहाँ कार्यपालन यंत्री बैठता है। उनसे बात भी संबंध है, मामला 20 साल पुराना है। कितना पुराना? 20 साल पुराना। 3 महीने पहले बात कह रहा था मीडिया के कैमरे पर, और कह रहे थे कि हमारी बेटी और शादी करनी है, बच्चे की बेहद तबीयत खराब है, उसे वेतन न मिलने के चलते उसकी मानसिक स्थिति भी धीरे धीरे सही नहीं है, वो आत्महत्या करने की कगार पर। तो मेरी संरचना में है नहीं, मैं उनके चीफ इंजीनियर से आज ही बात करता हूँ। वहाँ भोपाल में बैठते हैं नारायण बरपड़े साहब हैं चीफ इंजीनियर, तो मैं आज ही बात करता हूँ। क्या है, कार्य क्षेत्र अलग अलग है ना।
जो यहाँ का कार्पान यंत्री विद्युत यांत्रिकी है उसका नियंत्रण करता अधिकारी अधीक्षण यंत्री जबलपुर में बैठते हैं और मुख्य अभियंता भोपाल पर। उसका सीधा आरोप सर आप पर है कि आपका ऐसा कहना है कि मैं नहीं कर रहा हूं। हमारे तो कार्य क्षेत्र में नहीं, तो मैं कैसे, न तो हम कभी मिले हैं न मुलाकात है। ये सर जो आवेदन बना है वो आप ही के नाम से बना रखा है उसने। अब इसका तो हम परीक्षण करा देते हैं, जब मेरे कार्यक्षेत्र में नहीं तो मुझको क्यों दिया होगा। पावती भी कर दी गई तो क्या आपसे आपका अब आवेदन आया होगा तो हो सकता है पावती हो, ये तो मैं नहीं कह सकता गलत है। पावती देने का सही होता ना सर, अधिकारी के सामने वो बात लाना तो वो तो यहाँ से मुख्य अभियंता भोपाल को चला गया होगा।